और भागवत जीरो सातवो स्कंद। सातवें स्कंद जो अति लीला है, वासना लीला है, उन अंदर सातवें स्कंद अंदर प्रहलाद चरित्र वर्णन बतायो। समझो प्रहलाद जी ने तो आप सब लोग जानो हो, भगवान ना बड़ा भक्त होया, हिरण्यकश्यपुरा बेटा, और काला प्रथा सुनी नी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो दो भाई हाँ, जिमो जो बड़ो हो हिरण्याक्ष उन्हें वहारा भगवान मार दियो, तो हिरण्यकश्यपु उन्हें द्वेष हो गयो, क्या रे ओ नारायण मारे भाई ने मारियो है, तो नारायण तो बदलो ले रहूंगा। तो हुयो यूं के वो जो हिरण्यकश्यपु हो वो ब्रह्मा जी तपस्या करने वास्ते गयो, लेकिन हुयो यूं के बैठे जो ही तपस्या करने वास्ते गयो वो हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी की तपस्या करी क्योंकि नारायण तो उन्हें द्वेष हो, नारायण तो तपस्या कर नहीं सकते, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करी और अन्य वो तपस्या कर रहे हो कि अन्य जो हिरण्यकश्यप जो पत्नी ही कयाधु, उन कयाधु ने इंद्र मारण वास्ते आ गयो और इंद्र कहो कि अरे वो हिरण्यकश्यप दुष्ट है, वो राक्षस है और इन्हें जो पत्नी ने गर्भ से जो जन्म लेवेला बच्चो वो भी दुष्ट ज निकलेला, वो भी राक्षस निकलेला, इन वास्ते क्यों ना आप राक्षस अरे वंश ने आगे बढ़ना इन्हें टाइम मार दो। जो ये कयाधु ने मारन लागो कि उन्हें जो टाइम संत नारद जी महाराज बेटे पधार गया और कह इंद्र कहीं कर रही हो, बोले महाराज इन्हें मारूं, बोले क्यों, बोले महाराज सानठा को नहीं कहा हिरण्यकश्यपु राक्षस है दुष्ट है और हिरण्यकश्यपु जो बच्चों जन्म लेवेला वो भी दुष्ट वेला और बाद में वो आपा ने तकलीफ देवेला, इन वास्ते क्यों आप राक्षस सारे वंश ने आगे बढ़न ना इन्हें अठे मार दो ताकि इन बच्चों जन्म लेवे ही नहीं और आपने तकलीफ मिले ही नहीं। नारद जी क्यों अरे मूर्ख इंद्र थने ठाको नहीं हिरण्यकश्यपु जो बच्चो वेला नहीं वो कोई दुष्ट नहीं है, तो बोले वो तो भगवान नो भगत वेला, बोले भगत, बोले हाँ थने ठाको नहीं छोड़ दी ने इंद्र नारद जी आज्ञा सो उन्हें छोड़ दी मारी नहीं और इंद्र चले गयो और नारद जी महाराज कहो कि देखो बेटी तुम हमारा थे नहीं मारे आश्रम चाल जाओ थे हमारे आश्रम रहो नहीं तो थाने तो बड़ा तकलीफ दे। तो नारद जी महाराज उन्हें आपने आश्रम में ले आया और उन्हें सेवा करने लग गया और नारद जी महाराज रोज उन कयाधु ने भागवत जीरा प्रसंग सुनावता, रोज भगवान की कथा सुनावता, भगवान का नाम सुनावता। इन प्रकार जो कयाधुरे गर्भ में जो प्रहलाद जी महाराज हाँ बेबी नारद जी ने मुखारविंद सो कथा रोज सुनता। इन प्रकार 100 वर्ष तक वे आपने मातृ गर्भ में रहा और 100 वर्ष तक ही वे नारद जी महाराज रे द्वारा कथा सुनता रहा, भगवान रो नाम सुनता गया और इन्हीं ज नाम रो प्रभाव हो, इन्हीं ज भगवान रे कथा रो प्रभाव हो कि आगे जान में भगवान ना भक्त बनिया। और अन्य हुयो जो कि वो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी तपस्या करने लागो, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, एक पक्ष खड़ो हो दोनों हाथ ऊपर कर लिया और तपस्या कर रही हो। ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या देख प्राण प्रकट हो गया, प्रसन्न हो गया और कह रहे मांग 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 हिरण्यकश्यपु वरदान मांग, काई चाहिए तने हिरण्यकश्यपु के, बस प्रभु आप दर्शन हो गया अभी तो माने मांगने को इच्छा ही नहीं है। बोले नहीं मांगनो पाड़ी, तुम्हारी तपस्या करी है इन वास्ते मैं खाली आप तो जा नहीं सकूं, किन की तो थाने देन जाऊं मांग। हिरण्यकश्यपु को तो बाप जी मांगू, बोले मांग। हिरण्यकश्यपु कहो प्रभु यदि मैंने वरदान देने चाहो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं कभी मरू नहीं, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, आकाश मरू नहीं, पाताल में मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, और साल भर के 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथों से न मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हो तो गजब भगत है, वो तो कह रहे कि मैं कदी मरूं ही नहीं, कि नहीं हाथों नहीं मरूं तो मुझे मारने की कर रहे हो, और जो अठे मृत्यु लोक में जन्म ले लियो है तो एक न एक दिन उन्हें मरण हो तो पड़ी, वो तो अटल सत्य है, पर वो तो कह रही है कि मैं तो मरू ही को नहीं, जिन्हें मारण की कर रहे हो।
ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे, मन में सोचो कोई बात नहीं, वरदान देवों ने काम मारो है और मारने रो काम भगवान रो है। मैं तुम्हारा वरदान दे जाऊं प्रो पहुंचे भगवान आप ही ने मारते रहे। और ब्रह्मा जी वरदान दे दियो तथास्तु एवमस्तु हिरण्यकश्यपु, ऐसा ही होगा जैसा तुमने मांगा है। जूं यूं कहो कि हिरण्यकश्यपु राजी हो गयो, वाह ब्रह्मा जी मैंने वरदान दे दिया, मैं तो अजर मरू, मन कोई नहीं मार सके। वाह आयो घरे, घरे आन राज्य प्रशासन आप हाथ में ले लियो और हिरण्यकश्यपु रे चार बेटा होया, हलाद अनुलाद संगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जो सबसे छोटा हा, और हिरण्यकश्यपु आप प्रजा में घोषणा करवा दिए कि जो कोई भी यदि नारायण रो नाम ले बेला तो उन्हों मस्तक काटन धड़ सु अलग कर दूंगा। नाम लेनो है तो मारो लो, पूजा करनी है मारी करो, यज्ञ करना है मारे नाम रा करो, नारायण रो नाम नहीं लेनो। और हमें सब लोग हिरण्यकश्यपु डरता, हिरण्यकश्यपु 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 करें, लेकिन हिरण्यकश्यपु जो बेटो हो प्रहलाद वो तो नारायण नारायण करे। पहला तो प्रहलाद जी महाराज भी हिरण्यकश्यपु रे संग सो और राक्षसा ने संग सो भगवान थोड़ा सा भूल गया हा, वे भगवान ने याद नहीं करता, क्योंकि हिरण्यकश्यपु कहते हो कि नारायण तो कोई सार है ही नहीं, सब सार हूँ जो मैं ही हूँ, मारो ही नाम सार है, नारायण नाम तो असार है। जो एड़ी बात सुनता प्रहलाद जी, जो प्रहलाद जी ने भी आप पिताजी ने माते हिरण्यकश्यप माते विश्वास हो गयो और नारायण भगवान माते विश्वास थोड़ो कम होने लग गयो। उन टाइम नारद जी महाराज बीच बीच में अपना बहन समझाता प्रहलाद जी महाराज ने, ताकि प्रहलाद जी पाचा कुसंगति में नहीं चले जावे, इन वास्ते बीच बीच में अपना भगवान ने कथा सुनावता, भगवान ने नाम सुनावता और अच्छो उपदेश देवता। उन्हीं उपदेश प्रभाव सु धीरे धीरे प्रहलाद जी ने मन ने पाछी भगवान ने प्रति आस्था होने लगी। और एक दिन नारद जी कह दियो कि बेटा अबे देख, हिरण्यकश्यपु जो थारो पिताजी है उनमें कोई सार नहीं है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो नश्वर है, उनकने कोई शाश्वत चीज नहीं है, शाश्वत है तो केवल भगवान नारायण है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु नाम लेने से थारी कदी मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन यदि नारायण नाम लेवेला तो मैं जरूर कहूँ कि तारी मुक्ति जरूर हो सकेला। इन वास्ते हिरण्यकश्यपु नाम मत ले, बल्कि भगवान नारायण नाम ले। एड़ो उपदेश दियो जना प्रहलाद जी कहो, अरे हाँ नारद जी आप सही कहो, मैं तो इतना दिन यूं ही बहकावे मेरा यो कि मारे पिताजी नाम भी अच्छो है, उन्हें नाम लेने से मुक्ति वेला, लेकिन आप कहो कि नारायण भगवान का नाम बहुत अच्छो है और उनसे आपकी मुक्ति हो जाए वेला, तो आज सो मैं भगवान का जी नाम लूंगा और आप कृपा करी जन मैंने ठा पढ़ियो, बाकी यूं तो मैं संसार इन विषय वास्तव में ही पढ़ियो हूँ, मैंने कुछ ठा ही नहीं हो, लेकिन आप कृपा करी जन मैंने ठा पढ़ियो, क्योंकि सज्जनों सदगुरु कृपा करे जड़े तो अपने ज्ञान होया करे, और जड़ तक सदगुरु कृपा नहीं करे जड़ तक अपने ज्ञान नहीं होया करे, जड़े तो एक शिष्य कहा करें अपनी भावना में के सदगुरु आप कृपा करे जन मैं इन भव सागर सुबारे निकलियो हूँ, नहीं तो गुरु यदि कृपा नहीं करे तो कुछ भी नहीं हो सके। जन शिष्य कहा करें अपनी भावना अनुसार गुरुदेव ने कि आप कृपा करी मारे माते, भली करियो गुरुदाता जीव रखियो चौरासी में जाता, भली करियो गुरुदाता जीव रखियो चौरासी में जाता, भूलो नहीं राखो बाता जी।
कर्म गली में आयो करमारो की टक लायो कर्म गली में आयो करमारो की टक लायो गुरु बचा लिया दोनों हाथा मारे गुरु बचना सही मार्ग बताया करे सतगुरु ये जो आपने भगवान ने भक्ति और बढ़ाया करे। तो आज जो प्रहलाद जी महाराज हानी ब्याने भी नारद जी महाराज हया जने वे भगवान ने भक्ति और ब्याने परिवर्तित करिया और कहे हो कि थानो मार्ग हिरण्यकशिपु वालो नहीं है, थानो मार्ग तो भगवान नारायण वालो है। इन प्रकार एड़ो ज्ञान दियो जन ब्याने मन में भगवान ने भक्ति रो अंकुर फूट गयो और बे कठे ही देखो कड़ी भी परिस्थिति में देखो भगवान और नाम नारायण 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 करता रहता। हिरण्यकश्यप उनने सोचियो ले मैं तो मानी प्रजा ने मना करूँ कि भगवान और नाम नहीं लेना नारायण और नाम नहीं लेना और मारो ही बेटो मारे दुश्मन नो नाम ले वे। लोगों ने कहो कि मैं करूँ कहीं जन लोग कहो कि महाराज आप रो जो बेटो प्रहलाद है नी ओ थोड़ो बहुत सुधरी तो गुरुकुल में सुधरी
आप तो इन्हें गुरुकुल में डाल दो। वह गुरुकुल में डाल दियो शंड और अर्मक, ये दोनों शुक्राचार्य जरा दो बेटा आने पढ़ावे। प्रहलाद जी तो पढ़ता ही को नहीं, प्रहलाद जी तो आप ही मस्ते में रहता नारायण नारायण करता। एक दिन हिरण्यकश्यप को कहो कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसने क्या पढ़ाई की है। अमेवा राजा रो आदेश, हिरण्यकश्यप रो आदेश, सब बच्चों ने बुलाया गया, सब बतावन लगा मैं आ पढ़ाई करी, मैं आ पढ़ाई करी, मारो तो कोर्स बाकी है। यूँ क्या मन लगा इतना प्रहलाद जी नंबर आयो, और प्रहलाद जी तो बैठा खुदरा बेटा है, इन वास्ते आपकी गोद ने बैठाया और कहो बेटा बता तू कहीं पढ़ियो, थाने कौन सी विद्या बढ़िया लगी, और जो भी थोड़े विद्या बढ़िया लगी मैंने बा मैंने बताई जो बताओ। प्रहलाद जी मन में सोचियो ने पिताजी अच्छी अच्छी विद्या पूछ रही है, मैंने तो भगवान ने नाम सोची कोई विद्या आवी को नहीं। जने कहो कि पिताजी आप यदि अच्छी विद्या पूछ रहा हो तो मैंने तो एक ही विद्या अच्छी लगे, और कहो बता दे बा। जने प्रहलाद जी ने तो भगवान ने नवदा भक्ति बढ़िया लागती और मैं नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान ने नवदा भक्ति सुना दी और कहियो कि पिताजी मने तो आज बढ़िया लागे हैं भगवान के चरणों में दास्य रो भाव लावणो और भगवान रो नाम लेवणो, और भगवान रो नाम में जो सार है बाकी तो सब असार है बेकार है, असारे संसारे विषय विशेषंगा कुल थी। बोले भगवान रो नाम ही जो सार है बाकी तो सब असार है बेकार है, सब दियूं जे फालतू है। जुई आप रे बेटा प्रहलाद रे मुंडासु भगवान नारायण रो नाम सुनियो, तुरंत आप रे गोदी से नीचे पटक दिया और कहा अरे मारे कुल में कलंक पैदा हो गयो, और प्रजा में घोषणा कर दे कि जो कोई भी प्रहलाद ने मार दे वेला मैं उन्हें पुरस्कृत करूँगा इनाम दूंगा। और प्रहलाद जी ने मारण का घना ही उपाय करिया गया, पहाड़ा सु गिराया, हाथियों नीचे कुचलाया, सर्पा सु डसाया, जल में डुबोया, अग्नि में जलाया, लेकिन बाल बांको नहीं होयो, क्योंकि जा को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांको कर सके सो जग बेरी होए। जिन आरक्षक भगवान मेरा करे उन भक्षक कोई नहीं बन सके। प्रहलाद जरा रक्षक भगवान हा तो प्रहलाद जरा कुछ भी नहीं होयो, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत भगवान करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत भगवान करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिना रक्षक भगवान ना करे उन्हें भक्षक कोई नहीं बन सके। प्रहलाद जरा रक्षक भगवान आ तो प्रहलाद जरा कुछ भी नहीं हो, बाल बांको भी नहीं हुयो। जने हिरण्यकश्यप के हमें करा कहीं नो जने के पाचो गुरुकुल में डाल दो, पाछा गुरुकुल में डाल दिया। अबे गुरुजी ने विशेष हिदायत दी कि आप थोड़ा प्रेरणा जरूर धड़ ज़्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि ओ तो सुधरना को नहीं बड़े बिगाड़ दे। जने हुयो यूं कि एक दिन गुरुजी कोई काम सो विद्यालय से बारे गया कि प्रहलाद जी ने तो सारा छोरा घेर लिया और क्या प्रहलाद जी मैं थाना मित्र हाँ इन वास्ते कम से कम माणी बाप में मान लो, फिर नारायण लारा क्यों पढ़िया हो, नाम लेने तो थाने पिताजी रू लो, नारायण 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 क्यों करो। जन प्रहलाद जी कहो कि इन वास्ते नारायण नाम लू हूँ क्योंकि मारे पिताजी ने नाम से मुक्ति नहीं वेला, मुक्ति तो नारायण नाम से ही वेला।
बेटा कहो बेछोरा कहो कि अरे प्रहलाद जी और चलो मुक्ति चलो भले भगवान नाम नारायण नाम सुवे लेकिन कम से कम अबार तो थाने पिताजी नाम थे कम से कम थाने पिताजी नाम लिया करो बाकी तो भले तो नारायण नाम ले लो क्योंकि थाना पिताजी नाम थे नारायण नाम ले वो जन बहने गुस्सा आवे और भाई थाने तड़पावे अग्नि में जलावे जलाया थाने जावे लेकिन जड़द माने वे तड़फाया थाने जावे लेकिन तड़फन माने वे क्योंकि मैं थोड़ा मित्र हाँ इन वास्ते थे वो नारायण नाम छोड़ दो और लेना ही जानी गणो तो बुढ़ा हम ले लीजो हमारे लिए उन्हें कहाँ जरूरत है। जन प्रहलाद जी को नहीं जिसने बचपन में भगवान का नाम नहीं लिया वो बुढ़ापे में क्या लेगा इन वास्ते मैं तो हमारी भगवान का नाम ले हूँ। छोरा कहो कोई बात नहीं हमें आपा खेलना प्रहलाद जी को खेलो लेकिन मैं कहूँ जड़ो खेल खेलो तो प्रहलाद जी एक न्यू गेम स्टार्ट कर दियो कि नहीं हाथ में ढोलक दे दी कि नहीं हाथ में मंजिला दे दिया खुदरे हाथ में करतार ले ली और नाच रहा है नारायण रो कीर्तन कर रहा है सारा छोरा एक बार तो देखता रहा लेकिन दूसरी बार बे जू प्रहलाद जी ने शरीर में हाथ लगायो कि हाथ लगाओ तो बयान अंदर भी सत्वकुंड प्रवेश हो गयो और बे भी सबरे साथे प्रहलाद जी के साथ नाचन लाग गया झूमन लाग गया नारायण को कीर्तन करने लग गया।